हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, ठीक ठाक होंगे और अपना अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। और आप सभी को हरे कृष्णा, राधे राधे। तो ये वीडियो वहीं से स्टार्ट होती है जो पिछली वीडियो जहां पर मैंने ख़त्म करी थी, तो वो दोपहर तक की रूटीन थी। और अब दोपहर से जो है ये रात तक की रूटीन मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो भी अच्छी लगेगी। अगर अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में दिखाया था, कपड़े मैंने धोए थे, तो कपड़े ये सूख गए थे। उसके बाद ये मैंने फोल्ड भी कर दिए हैं और अब इसको मैं रखाती हूँ अलमारी में, क्योंकि अलमारी है अंजलि के कमरे में। तो गोपाल जी को मैंने विश्राम करा दिया है क्योंकि दोपहर का टाइम है, तो इनको भोग लगा के मैंने विश्राम करा दिया था। तो अब मैं आपसे मिलती हूँ शाम के समय। तो ये जो मंदिर वाले हैंकी वगैरह मैंने धोए थे ये भी रख दिए जाएँ अपनी अपनी जगह पर। तो ये हनुमान चालीसा इसमें रखी हुई है, ये मैंने निकाल दिया है। तो ये वाला जो आप हैंकी देख रहे हो ये मंदिर साफ़ करने के लिए है और बर्तन साफ़ करने के लिए। तो ये मैंने जो है इस ड्रॉर में रखा है। और ये है गोपाल जी के हैंकी, तो ये उनके मैं खाने में रख दूंगी। और ये वाले जो विग्रह या फ़ोटो साफ़ करने वाले हैंकी हैं ये मैं मंदिर के ड्रॉर में रखती हूँ, तो इनको भी रख दिया जाए। तो गोपाल जी के जो अंडर गारमेंट्स हैं या ये मंदिर वाले कपड़े जो होते हैं ये भी मैंने धो लिए हैं, क्योंकि अब नवरात्रे शुरू हैं तो ये मैंने धो लिए थे पहले ही। और ये कपड़े धोने का काम तो चलो हो गया है, पर लेकिन मंदिर वगैरह मुझे साफ़ करना है तो वो भी मैं कर लूँगी, क्योंकि कल से है नवरात्रि शुरू। तो ये जो आप बॉक्स देख रहे हो इसमें गोपाल जी के वस्त्र हैं। तो बड़े वाले जो बॉक्स में है गोपाल जी की जो ड्रेसें होती हैं वो रखी हुई हैं, और ऊपर वाले बॉक्स में जो है अंडर गारमेंट्स वगैरह मैं रखती हूँ। तो बस इसको कर दिया जाए बंद और अब पी लिया जाए पानी। तो काम करते करते पानी पीने का भी ध्यान रखना चाहिए अपना, तो मैं जो है बार बार पानी पीती रहती हूँ। तो बस अब काम तो हो गया है और अब मैं जो है रसोई वगैरह के जो बर्तन हैं वो भी धो लूँगी। तो रसोई के बर्तन जो मैंने आपको दिखाए नहीं हैं धोते हुए, पर मैंने रसोई के बर्तन भी धो लिए हैं और रसोई कर दी है अच्छे से साफ़। और अब कर ली जाए कंघी। तो आज बच्चों की छुट्टी है क्योंकि आज है संडे। तो अब संध्या टाइम हो गया है और मैं कर लेती हूँ कंघी। तो कंघी जो है संध्या टाइम से पहले ही हमें कर लेनी चाहिए। तो कन्नू के आज बाल भी धोने थे, तो क्योंकि संडे वाले दिन, छुट्टी वाले दिन इसके मैं बाल वगैरह धोती हूँ, क्योंकि इसकी जो कंघी करने में भी काफ़ी टाइम लगता है। तो मैं इसको सुबह से कह रही थी धुलवा ले बाल अपने और नहा ले, तो आज इसने आलस कर दिया मम्मी अभी नहीं करके। तो इस टाइम जो है फिर मुझे धोने ही पड़े इसके बाल, क्योंकि फिर कल इसने स्कूल भी जाना है तो इसलिए। तो अभी तो इसके बाल गीले हैं, कंघी तो नहीं मैं करूँगी क्योंकि अब संध्या टाइम भी हो गई है और अब जोत जगाने का टाइम हो गया है। तो अब चलते हैं अंदर और जगाते हैं जोत। तो मौसम तो थोड़ा सा चेंज हो गया है, लेकिन फिर भी जो है दोपहर के टाइम तो गर्मी लगती है। तो मैं क्या करती हूँ ये टॉप वगैरह डाल लेती हूँ। तो मुझे बच्चे कह रहे थे कि मम्मी आप अच्छे से तैयार होके जो है वीडियो शूट करा करो, पर मैं जो है आपके साथ अपनी रियल लाइफ ही शेयर करती हूँ। तो जैसे मैं घर में रहती हूँ तो वैसे ही मैं वीडियो आपके साथ शेयर करती हूँ। तो यही है मेरी रियल लाइफ, रियल होम की दिनचर्या कि कैसे मैं अपने घर के काम करती हूँ या पूजा पाठ भी कैसे करती हूँ। तो जितनी पूजा पाठ भी करती हूँ उतना ही मैं आपको बताती हूँ, ऐसा नहीं है कि कुछ भी एक्स्ट्रा मैं आपको बताऊँ। तो ज़्यादा तो कुछ नहीं करती, पर जितना नॉर्मल घर में पूजा करनी चाहिए हमें, जैसे जोत वगैरह जगानी चाहिए, उतना तो मैं करती हूँ। और करना भी चाहिए क्योंकि इसमें घर में जो है पॉजिटिविटी बनी रहती है। और भगवद गीता जो है ये तो मैं पढ़ती हूँ, आपको पता ही है। तो आज सुबह नहीं पढ़ी थी तो इस समय मैं पढ़ रही हूँ। तो अब मैंने जो है अपनी भगवद गीता पढ़ने की रूटीन है वो थोड़ी सी चेंज कर दी है। तो सुबह के टाइम नहीं मैं पढ़ती, अब मैं शाम के टाइम पढ़ लेती हूँ। तो ये होता है कि कभी सुबह भी पढ़ लेती हूँ अगर टाइम होता है तो जिस दिन देर हुई होती है तो फिर शाम को मैं पढ़ लेती हूँ। तो भगवद गीता का एक अध्याय तो मैंने पढ़ लिया है और अब मैं पढ़ूँगी ये शिला प्रभुपाद जी की भगवद गीता। तो जब मैं भगवद गीता पढ़ती हूँ तो मेरा मन करता है कि इसको पढ़ती रहूँ। तो काफ़ी टाइम भी हो जाता है। पहले मैं सोचती हूँ कि थोड़ी सी पढ़ूंगी या इतने पेज पढ़ूंगी, लेकिन जब मैं पढ़ने बैठती हूँ तो मेरा मन करता है कि इसको पढ़ती रहूँ। तो बुक्स वगैरह पढ़ने का मुझे काफ़ी शौक है। तो जो ये धार्मिक बुकें होती हैं ये मुझे पढ़ने में काफ़ी अच्छी लगती हैं, और ख़ास करके अगर कृष्ण जी से रिलेटेड हों तो वो और अच्छी लगती है। कृष्ण न केवल सैद्धांतिक रूप में अपितु वास्तव में अर्जुन के समक्ष परमेश्वर के रूप में प्रकट हुए। भगवान ने अर्जुन को अपना विश्व रूप देखने के लिए आवश्यक शक्ति प्रदान की, क्योंकि वह जानते थे कि अर्जुन इस रूप को देखने के लिए विशेष इच्छुक न था, जैसा कि हम पहले। तो बस भगवद गीता पढ़ के मैं आ गई हूँ अब रसोई में। तो ये मैंने दूध गर्म होने के लिए रख दिया है क्योंकि गोपाल जी को अब लगाएंगे दूध का भोग। तो रात के समय जो है मैं दूध का भोग लगा देती हूँ गोपाल जी को, उसके बाद जो है विश्राम करा देती हूँ। तो ये थोड़ा सा गर्म हो गया, गैस मैंने कर दी है बंद। और अब चलते हैं अंदर गोपाल जी को लगाते हैं भोग। तो इसमें मैंने जो है शक्कर डाली है, क्योंकि हम जो है चाय में या दूध में शक्कर ही डालते हैं। तो अभी जो मैं गोपाल जी को भोग लगा रही हूँ, तो इस टाइम जो है 7:30 का टाइम हुआ है। तो गोपाल जी को मैं भोग लगा दूंगी और सुलाऊंगी तो थोड़ी देर में ही। तो 8:30 या 9 बजे के करीब जो है गोपाल जी को फिर विश्राम कराते। तो गोपाल जी को भोग लगाने का कोई टाइम टेबल फिक्स नहीं करा हुआ मैंने, कभी 7:30 या कभी 8 बजे भी मैं इनको भोग लगा देती हूँ। और अब मैं फिर से आ गई हूँ रसोई में, और ये जो दूध मैंने एक्स्ट्रा गर्म करा था, ये मैंने करा था दही जमाने के लिए। तो ये थोड़ा सा ज़्यादा गर्म हो गया, तो इसको जो है मैं जब मैं दही जमाती हूँ तो कपड़े में लपेट के रख देती हूँ, जैसे जिस बर्तन में मैं जमाती हूँ। पर आज इसको मैं लपेटूंगी नहीं, क्योंकि ये थोड़ा सा गर्म हो गया है, तो इसको मैं रख दूंगी अंजलि वाले कमरे में। तो ये भी एक रूटीन है रोज की दही जमाने की। तो ये मैं जमा के जो है अंजलि वाले कमरे में ही रख देती हूँ। वो इसलिए रखती हूँ कमरे में, क्योंकि रसोई का दरवाजा जो है बार बार बच्चे खोल देते हैं। तो बिल्ली जो है हमारे यहाँ पर काफी घूमती रहती है, तो इसलिए मुझे डर लगता है कहीं गिरा गुरु ना दे, तो इसलिए जो है मैं कमरे में ही रख देती हूँ। तो कन्नू को मैं देख रही थी, अभी नीचे ही बैठी है, बच्चों के साथ खेल रही है, क्योंकि इसको दूध देना है मुझे। तो अभी मैं दूसरी साइड से जाके फिर इसको आवाज़ लगाऊंगी, तब ये ऊपर आएगी। और यहाँ पर है हमारी तुलसी महारानी। तो तुलसी महारानी के दर्शन भी आप कर लीजिए। तो काफ़ी अच्छी ग्रोथ हो रखी है तुलसी जी की, पर लेकिन ये वाली जो तुलसी हैं ये थोड़ा देखने में बेकार लग रही हैं, क्योंकि थोड़ी सी ये सूख गई हैं। तो ये जो तुलसी है अच्छी तरह से सूखी भी नहीं है, थोड़ी सी हरी है डंडी, तो इसलिए मैंने इनको फिर निकाला नहीं है। तो क्या पता फिर से हरी हो जाए। तो बस अब मैं आ गई हूँ रसोई में, क्योंकि अब है रोटी बनाने का टाइम। तो सुबह की थोड़ी सी दाल सब्जी वगैरह पड़ी है, दाल तो नहीं पड़ी, कड़ी बनाई थी मैंने, आपको पता ही है। तो कड़ी भी रखी हुई है, थोड़ी सी करेले की सब्जी भी रखी हुई है। और अब मैं बना लूँगी लहसुन अदरक की सब्जी। तो इसमें टमाटर भी डालूंगी, तो प्याज नहीं मैं इसमें डालूंगी। तो जब भी थोड़ी बहुत सब्जी अगर रखी होती है दोपहर की, तो फिर रात के समय क्योंकि हस्बैंड रोटी खाते हैं, तो उनके लिए मैं बस ये थोड़ी सी सब्जी बना देती हूँ, क्योंकि उनको काफ़ी पसंद आती है। तो आज मेरी और अंजलि की तो छुट्टी है रोटी खाने की, क्योंकि आज थोड़ा सा हैवी खाना हो गया था दोपहर के टाइम भी, तो ज़्यादा खा लिया था। और अब मेरा मन नहीं है, भूख नहीं है बिल्कुल भी, तो मैं तो नहीं खाऊंगी, लेकिन दूध तो ले ही लूँगी, रोटी तो नहीं खाऊंगी। तो वैसे भी ज़्यादातर मैं जो है कोशिश करती हूँ कि रात की रोटी मिस ही कर दूँ, तो दूध ले लेती हूँ। अगर मुझे ज़्यादा भूख लगती है तब तो खा भी लेती हूँ, ऐसी बात भी नहीं है, पर लेकिन आज मुझे बिल्कुल भी भूख नहीं है। और अंजलि भी मना कर रही है, वो इसलिए क्योंकि उसने भी थोड़ा सा स्नैक्स बना के खा लिया था शाम के समय, तो वो भी मना कर रही है। तो मैंने सोचा चलो ये वाली सब्जी बना दी जाए। तो ये लहसुन अदरक की जो सब्जी है खाने में काफ़ी स्वाद लगती है, तो जितनी आसानी से ये बन जाती है उतनी टेस्टी भी लगती है खाने में। और इसमें जो है मैं काली मिर्च भी डाल देती हूँ। तो जैसे ही तेल गर्म हो गया था, लहसुन डाल के मैंने साथ में ही काली मिर्च भी डाल दी थी, और जो भी जैसे नमक मिर्च हल्दी वो भी मैंने इसमें डाल दिया है। तो ये जो मसाला है अच्छे से भुन गया है, तो ये तेल इसका अलग हो गया। और अब इसमें मैं डाल दूंगी थोड़ा सा पानी। तो पानी ज़्यादा भी नहीं डलना चाहिए और कम भी नहीं रहना चाहिए। तो इसको बस पानी डाल के मैं अच्छे से जो है उबाला दे दूंगी और थोड़ी देर रखूंगी इसको कम गैस पे, ताकि ये अच्छे से पक जाए। और दूसरी साइड अब मैं जो है रोटी भी बना लूँगी। तो सब्जी भी बन रही है, रोटी भी साथ के साथ बन रही है। तो कभी आप भी ये ट्राई करके देखना, क्योंकि जितनी सिंपल सी ये सब्जी बनती है खाने में उतनी टेस्टी लगती है। तो सब्जी भी बन गई है, रोटी भी बन गई है, और ये जो सारा सामान संभाल दिया जाए। और अब भिगो दिए जाएं छोले। तो सफ़ेद छोले मैं सुबह बनाऊंगी। तो ये भी एक रात की रूटीन में ही आता है। अगर कोई चीज़ हमें भिगोनी हो तो ये रात के टाइम ही हमें भिगोनी पड़ती है, जैसे छोले हो गए या राजमा। तो ये छोले थोड़े से कम लग रहे थे, तो डिब्बे में जो है सफ़ेद मटर रखे हुए थे थोड़े से, तो वो भी मैंने इसमें डाल दिए हैं। तो अब इसमें पानी डाल के और ढक के इसको मैं रख दूंगी गैस पे। तो जब सब रोटी खा लेंगे उसके बाद धुलेंगे बर्तन। तो बर्तन जो है वो अंजलि धोएगी, क्योंकि रात की ड्यूटी जो है बर्तन धोने की वो अंजलि की है। और अब मैं आ गई हूँ छत पर, और अब करूँगी थोड़ी देर वॉक, और उसके बाद फिर जो है सो जाएंगे। बस यही रूटीन होती है मेरी दोपहर से लेके रात तक की। तो आज इस वीडियो में मैंने आपके साथ अपनी दोपहर से लेकर रात तक की दिनचर्या शेयर करी है। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए मेरे चैनल को, और कमेंट बॉक्स में अपने अच्छे अच्छे सुझाव देना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे। तो ये देखिए अभी बच्चे वगैरह जो हैं खेल ही रहे हैं। तो अगर मेरा काम थोड़ा सा जल्दी हो जाता है रात का, तो मैं थोड़ी सी जो है वीडियो वगैरह भी एडिट कर लेती हूँ, नहीं तो मैं वीडियो जो है दिन में ही एडिट करती हूँ, रात के टाइम नहीं करती। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हरे कृष्णा।